तो स्वागत है आप सबका हमारे सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग शो आस्किंग झारखंड में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज है कर्मा पूजा और आज हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे नेटिव प्लेस रितुड़ी। आज हम लोग जानेंगे कि क्यों मनाते हैं हम लोग कर्मा पूजा और इसके पीछे की कहानी भी जानेंगे, बहुत सारे लोगों से बातें करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, काफ़ी मज़ा आने वाला है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए सभी को। रीता देवी। तो ये बताइए कि क्यों मनाते हैं हम लोग कर्मा पूजा? भाई के लिए मनाते हैं। क्या क्या करते हैं कर्मा पूजा में? जावा डाली उठाते हैं नदी में जाके, मतलब उठाया जाता है उसको, बालू उठा के उसमें कुर्ती बुन के और घर में ला के और 7 दिन तक उसको इसी किया जाता है, गीत गाया जाता है, नाचा जाता है सुबह शाम, और भाई के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। हम त्यौहार मना रहे हैं आज 12 साल से, हो गया 15 साल से मनाया हुआ। सबको अपना नाम बता दीजिए। गौरी देवी। ये भाई का त्यौहार है इसीलिए मनाते हैं कर्मा, भाई अच्छा रहे स्वस्थ, भाई के लिए बधाई हो भाई का, भाई बढ़े आगे चल के बहन, इसीलिए त्यौहार ही कर्मा इसलिए मनाया जाता है। भाई के लिए है, भाई अच्छा रहे, सही सलामत रहे, अच्छा जीवन रहे, हर खुशी में रहे, ताकि बहन लोग भी खुश रहे, भाई खुश रहे तो हम लोग भी खुश रहेंगे, इसीलिए कर्मा का त्यौहार बना। सब बेटी लोग को लाते हैं अपना घर में, उपवास करती है, मनाते हैं कर्मा पर्व, खाना मिलजुल के करते हैं और शाम को पूजा उजा करके और भाई को भोग डाल। सुनीता कुमार। तो कब से मना रहे हैं आप कर्मा पूजा? हो गया 7 साल। जैसे कि नदी में हम लोग डाली उठाते हैं, वहाँ से बालू लाते हैं और घर में 7 दिन तक डांस किया जाता है उसको, फिर ये फास्टिंग किया जाता है, उसके दूसरे दिन उनको जाके भसाया जाता है और भाई के लिए मतलब कर्मा किया जाता है। भाई का पर्व है, पूजा करते हैं हम लोग, डाली में उठाते हैं, कर्मा करते हैं, डार पूछते हैं। दोस्तों, आज के हमारे स्पेशल गेस्ट से मिलते हैं और मेरे साथ मौजूद है मेरी मम्मी और मेरी चाची। आइए उनसे जानते हैं कि क्यों मनाते हैं हम लोग कर्मा पूजा। हम कर्मा मनाते हैं अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए। हम वर्षों से भाई कर्म गोसाई से प्रार्थना करते हैं कि ताकि मेरा भाई दीर्घायु हो। नदी से बालू उठा के जावा उठाते हैं और भगवान से प्रार्थना करके, उपवास करके, उसके बाद पारण करते हैं। पारण के दिन हम लोग बासी खाना खाते हैं, फूल खिला देता है, गोड़ लगता है और बड़ा रहता है तो उसको चुमा लेता है। हम लोग कर्म करते हैं, भाई का धर्म रखता है, हम लोग कुछ लिए कर्म करते हैं। और कर्मा के बिहने वाला हम लोग खाते हैं बासी भात, तातल भात नहीं खाते हैं। तातल भात खाने से कर्म कपल फूटता है। कर्मा धर्मा दो भाई था, हैं तो कर्मा खाया बासी और धर्मा खाया तातल, तो वो क्या किया तो उसका सब कर्म कपल फूट गया, कर्म कपल फूट गया, चल गया कर्म गोसाई 7 समुंदर गंगा पार, तब तो कर्मा का दुख हो गया, पूरा तकलीफ हो गया, कर्म कपल फूट गया, कर्म कपल को ले आइए, तो बोला कहाँ है, तो 7 समुंदर गंगा पार में, तो कर्मा चल गया, तखन गाय गोरु भैंस काड़ा सब कर्मा के आ गेल, सुधरी गेल, कर्म गोसाई भाई केव काल दीपल भात खाया ना, कमिन बासी भात कहबे पढ़ना करबे बासी भाते। भैया रे बसले नगरिया, बसले नगरिया, दिया भैया डला संदे नाच बेगी, जवा के जगह की सब नाच
तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को काफ़ी मज़ा आया होगा करम का त्यौहार मनाकर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली बार एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।